रेडी। हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। दिनेश कुमार जी गुड इवनिंग, पीयूष कुमार सिंह गुड इवनिंग सर, नमस्ते बेटे नमस्ते। ई विद्या टीवी क्लासेज में आपका फिर स्वागत करता हूँ। मैं राम कुमार त्यागी। यस सर। अरे वाह, सुमित कुमार जी गुड इवनिंग बेटे, गुड इवनिंग, बड़ा अच्छा लगता है बेटे, प्रणाम सर जी, प्रणाम। पीयूष कुमार जी, अच्छा बेटे, बहुत अच्छा लगता है जब आप लाइव जुड़ते हो बेटे, आपको इसमें खूब अच्छा मैटर मिलेगा बेटे। हाँ, इन क्लासों में आपको इतना अच्छा मैटर मिलेगा कि आप भी याद करेंगे कि हाँ, हमने एक महीने में क्या पा लिया ई विद्या टीवी से, और राम कुमार त्यागी जी ने आपको क्या पढ़ा दिया। कहीं का भी स्टूडेंट हो बेटे, हाँ रिया यादव गुड इवनिंग बेटे, पीयूष कुमार सिंह विद्या थैंक्स, अच्छा अच्छी बात है बेटे, जो हमें कुछ दें बेटे ई विद्या वालों का थैंक्स करते हैं, अच्छी बात है बेटे, अच्छा लगता है। हाँ आ जाइए, आज हम फिर इम्पोर्टेंट चीज़ पर आते हैं। देखिए, जब भी हम कोई चैप्टर सीखते हैं तो आप क्या करें, एकदम से हार्ड क्वेश्चन में ना घुसें, धीरे धीरे सिंपल सिंपल, फिर उससे हार्ड, फिर उससे हार्ड, फिर उससे हार्ड, सबसे लास्ट में हम आते हैं थोड़ा। विनय कुमार जी यादव जी, हाँ बेटे नमस्ते नमस्ते, ठीक है बेटे। विभाजन फार्मूले पे आते हैं। कल हमने आपको दो फार्मूले बताए थे, कौन कौन से, एक तो बताया था आपको डिस्टेंस फार्मूला और दूसरा बताया था मिड पॉइंट वाला। ओके हाँ बेटे, ठीक है बेटे, थैंक्स। हाँ ई विद्या वालों का भी धन्यवाद कर दिया करो, और कभी कभी हमें भी लिख दिया करो बेटे, थैंक्स। हाँ ठीक है, यस सर, सुमित जी गुड इवनिंग बेटे, आ जाइए। देखिए, अब हमने आपको कल दो फार्मूले बताए थे, तो मैं आपको पहले एक बार फिर फार्मूले लिख देता हूँ, दो तीन बच्चे नए आए हैं बेटे। हाँ थैंक यू बेटे, थैंक यू आशीष कुमार जी। देखिए, कल हमने आपको एक फार्मूला बताया था, नंबर एक, अगर आपको पॉइंट दिया हो ए, एक तो हो आपके पास पॉइंट ए, एक पॉइंट आपके पास बी, दिस मीन्स ए एक्स वन वाई वन एंड बी एक्स टू वाई टू। आप जब पेपर देने जाएं, बोर्ड का पेपर देने जाएं, तो आप इसके पे एक फार्मूले पर, इस फार्मूले पर क्वेश्चन जरूर करेंगे बेटे। आप, आपके चाहे हाफ ईयरली हो, देख लेना आप, डिस्टेंस फार्मूले पे क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। हाँ तो ये होता है बेटे, ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन होली स्क्वायर और वाई टू माइनस वाई वन का होली स्क्वायर। अब तो याद कर लिया होगा। नंदलाल पटेल जी गुड इवनिंग बेटे, सोनू कुमार गुड इवनिंग बेटे, आशीष कुमार गुड इवनिंग। अब आप जरा इधर देख लें बेटे, आपने याद कर लिया होगा, कल हमने रोहित पटेल ये बताया था बेटे, क्या कि जब हम इसको सोल्व करें तो स्क्वायर करने में गलती ना करें, क्योंकि अंडर रूट के अंदर कभी भी क्या माइनस नहीं आता बेटे। हाँ, जो माइनस होता है वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, राइट। हाँ, दूसरा हमने फार्मूला बताया था आपको मिड पॉइंट का, क्या हमारे पास दो पॉइंट है, एक ए एक बी, एक्स वन और वाई वन, दिस मीन्स एक्स टू और वाई टू, पॉइंट पी मिड पॉइंट मान लीजिए, मध्य बिंदु है, तो हमें इसके पॉइंट फाइंड करने एक्स वाई के। तो आपको बताया था एक्स इज इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू और वाई इज इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू अपॉन टू। हाँ तो आपके पास पॉइंट आ गए, ये मिड पॉइंट के आ गए। आज हम रिया यादव तीसरे वाले फार्मूले पर आते हैं बेटे, तो हमारा आज का टॉपिक है ये अंतर्विभाजन का, और इन पे हम क्वेश्चन करेंगे ही, तो हम इनको भी रिवीजन में लेके चलेंगे बेटे, राइट। हाँ अब आ जाइए, अब आपके कोर्स में अंतर्विभाजन है बेटे, वैसे दो होते हैं, एक बाह्य विभाजन होता है और एक अंतर्विभाजन होता है। हाँ इनको लिखते रहा करो बेटे, क्या होता है, लिखने से मैथमेटिक्स आता है बेटे, जितना ज़्यादा लिखेंगे उतना अच्छा। मान लीजिए हमारे पास दो पॉइंट ए एंड बी, राइट, इसके निर्देशांक कोऑर्डिनेट मान लीजिए एक्स वन वाई वन, और इसके पॉइंट मान लीजिए एक्स टू और वाई टू, और ये हमारे पास पी पॉइंट, और अनुपात मान लीजिए एम और एन है, और इसके हमें पॉइंट फाइंड करने हैं एक्स और वाई, एक्स बार वाई बार कह देते हैं, एक्स वन वाई वन। पीयूष कुमार सिंह नमस्ते बेटे नमस्ते, यस सर। देखिए, अब हम अंतर्विभाजन के लिए सूत्र लिख रहे हैं, एक बाह्य विभाजन का होता है और एक अंतर्विभाजन का होता है, राइट। हाँ मैं वैसे कोर्स में आपके अंतर्विभाजन है, पर मैं आपको दोनों फार्मूले लिखूंगा, कोई अंतर नहीं आता बेटे ज़्यादा। एक्स बार इज इक्वल टू
एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन, और वाई इज इक्वल टू होता है एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन। ये तो होता है आपका अंतः विभाजन के लिए। लेकिन यदि मान लीजिए बाह्य विभाजन का भी क्या होता है कोई पूछने लगे, ये तो इंटरनल के लिए होता है, एक्सटर्नल आ जाए तो क्या होगा, केवल जरा सा आपको बस साइन चेंज करना है, जहां पे प्लस लिखा है बेटे वहां आपको माइनस करना है। तो एक्स बार इज इक्वल टू एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन अपॉन एम माइनस एन, और वाई इज इक्वल टू एम वाई टू माइनस एन वाई वन अपॉन एम माइनस एन। ये किसके लिए है, बाह्य विभाजन के लिए बेटे, बाह्य विभाजन के लिए, ठीक है। हाँ, किसके लिए, बाह्य विभाजन के लिए, राइट। अंत के लिए क्या आता है, प्लस, और बाह्य के लिए क्या आता है, माइनस आता है, राइट। बस इतना ध्यान देना आपको, एक्स बार वाई बार माइनस लगाना है। वैसे आपके सिलेबस में जो है वो अंत विभाजन के लिए क्वेश्चन है, आज हम इस पे और जो पहले हमने क्वेश्चन किए उन पर करेंगे, और त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र भी बताएंगे बाद में फिर आपको। आ जाइए, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग आशीष भाई, आशीष राय, गुड इवनिंग बेटे। हाँ, एम एक्स वन नहीं बेटे, एम एम एक्स इज इक्वल टू एम वन, एम टू से भी कर लेते हैं बेटे। हाँ, माइनस वाला ये आपका है कौन सा, ये बाह्य विभाजन का लिखा बेटे राजभर जी। हाँ ठीक है, बाह्य विभाजन, ओके ओके, अंत विभाजन पढ़ रहे हैं हम, प्लस वाला। पटेल जी आ जाइए, हम इस पे क्वेश्चन करते हैं बेटे, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे ये भी क्वेश्चन, और ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। हाँ, इसी पे क्वेश्चन करेंगे, पर पहला एक क्वेश्चन आपको कल के लिए बता देते हैं, जो आपने कल पढ़ा था, या इसी पे करा दें पहले एक बार, विभाजन के सूत्र पर ही बता देते हैं। चलो एक क्वेश्चन पहले आपको, जब हमने फार्मूला बताया तो, राइट। हाँ देखिए, क्वेश्चन एक बताइए, अच्छा कौन से पेज से कर रहा हूं। पहला पॉइंट ए और बी, पहला पॉइंट दे रखा है बेटे इन्होंने माइनस वन और सेवन, माइनस वन सेवन, और बी इज इक्वल टू दे रखा है गिवन है फोर और थ्री माइनस का। बस इन पे ये ध्यान देना होता है बेटे कैलकुलेशन करने पे। ये पॉइंट पी दो अनुपात और तीन के अनुपात में एक्स और वाई हमें फाइंड करना है, एक्स और आशीष भाई, हाँ एक्स और वाई हमें फाइंड करना है, राइट। अब आ जाइए अपने क्वेश्चन पे, सोल्व करेंगे, ठीक है। हाँ कबीर बबलू जी, गुड इवनिंग बेटे, गुड इवनिंग इंदु गौतम बहुत देर से, हाँ गुड इवनिंग बेटे, गुड इवनिंग सोनू कुमार, यस सर, इम्पोर्टेंट बात है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटे। सुमित देखिए, अंत विभाजन पर एक क्वेश्चन आता है, डिस्टेंस फार्मूले पे हर हालत में आपको क्वेश्चन मिलेगा, एक तो आपका आपका डिस्टेंस फार्मूले पर आएगा, नंबर दो आपका एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आता है, तीसरा अंत विभाजन पर सूत्र पे सवाल आता है बेटे। जितने भी फार्मूले आपके सिलेबस में है सब पर आप थोड़ा थोड़ा, पटेल जी हाँ 54 पेज पर है, अच्छी बात है बेटे, तो आपको हर एक पे एक एक दो दो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, बस असली चीज है इनकी प्रैक्टिस आनी चाहिए, करने में कहीं पे मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक बात है, यस या नो। आशीष राय गुड इवनिंग बेटे, देखिए 23 पर नहीं है बेटे, अजय आंसर बता रहे हो 23, अभी देखते हैं बेटे। सबसे पहले आपको बताया एक्स वन और एक्स टू, वाई वन और वाई टू, ठीक है, और फिर लिखेंगे एम और एन कितना हमारे पास। अब एक्स वन, सब क्वेश्चन करने में जल्दी ना करें, हाँ सबने कर दिया नंदलाल पटेल जी, क्वेश्चन नंबर जल्दी ना लिख करें बेटे, करने में बहुत आराम से क्वेश्चन को लिखें जिससे करने में मिस्टेक ना हो। माइनस वन, और एक्स टू कितना है फोर, वाई वन कितना है सेवन, वाई टू कितना है माइनस थ्री, एम कितना है टू, और एन कितना है थ्री। तो सबसे पहले आप इनको इस रूप में जरूर लिखें बेटे क्वेश्चनों को, एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, इन सबके वैल्यू पुट कर लें बेटे। हाँ उसके बाद में हम क्वेश्चन का फार्मूला लगाते हैं, देखिए क्या, सबसे पहले एक्स इज इक्वल टू एम एक्स टू एन एक्स वन अपॉन
एम प्लस एन। अब इसको एम वन एम टू भी मान लेते हैं, उससे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। एक्स इज इक्वल टू एम, कितना है हमारे पास टू, एक्स टू कितना है फोर, प्लस एन कितना है थ्री, और एक्स वन कितना है माइनस वन। अब इसमें असलियत में क्या होता है बेटे, इनमें मिस्टेक होती है हमारे पास, टू प्लस थ्री सोल्व करो कितना आया, एक्स इज इक्वल टू फोर टू जा एट, माइनस थ्री अपॉन थ्री और टू फाइव, तो एक्स इज इक्वल टू फाइव अपॉन फाइव, तो एक्स इज इक्वल टू तो आ गया हमारे पास वन। ठीक है नंदलाल पटेल, क्या आया विकास यादव, एक्स इज इक्वल टू वन, अच्छी बात है बेटे। अब हम ज्ञात करेंगे बेटे क्या वाई, तो वाई इज इक्वल टू एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन। हाँ बेटे आप क्या करते हो, डायरेक्ट आंसर बताते हो बेटे, देख के क्वेश्चन को करना चाहिए बेटे। हाँ क्वेश्चन को करते हैं, सॉल्व करके पता चलेगा, ऐसे कोई ना कि आप देख के बस आंसर लिख दिया कि हाँ जी ये आएगा। सोल्व करिए, सोल्व करने से पता चलेगा वाई इज इक्वल टू, आपको सोल्यूशन आता है नहीं आता, एम कितना है टू, वाई टू कितना है माइनस थ्री, प्लस एन कितना है थ्री, वाई वन कितना है सेवन अपॉन टू प्लस थ्री। सोल्व करो वाई इज इक्वल टू माइनस थ्री टू जा सिक्स। अब बहुत बच्चों को तो बेटे ये नहीं आते, प्लस माइनस क्या होगा जी, सात या इक्कीस और तीन और दो पाँच, बताइए कितना बचा, इक्कीस और छः कितने हो गए पंद्रह, कितने बचे पंद्रह बटे पाँच, कितना आया थ्री। तो x की वैल्यू तो हमारे पास आई बटे वन, और y की वैल्यू कितनी आई हमारे पास थ्री, तो पॉइंट आ गया बटे आपका वन थ्री। तो पॉइंट लिखेंगे हम जब, तो P बिंदु के निर्देशांक 1 और 3 लिखेंगे बेटे। जब आप आंसर लिखें तो हमने आपको एक बात बताई थी बहुत पहले, गुड इवनिंग आलोक सिंह, गुड इवनिंग रोहन राजवर, नमस्ते, सोल्व करते हो, अच्छी बात है बेटे, बहुत अच्छी बात। तो आप बड़ी स्पीड से करते हो इंदु गौतम जी, अच्छी बात है बेटे। y इक्वल टू थ्री एक्स, हमने आपको एक बात बताई थी पहले, अब आप इधर देख लीजिए एक दिन, कि कॉपी में जब हम क्वेश्चन लिखते हैं तो उसके लिखने का बहुत बड़ा इंप्रेशन होता है बेटे, जब हम कॉपी में लिखते हैं आंसर को। आलोक सिंह ठीक है, क्या करना होता है, सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर लिखें, लास्ट में आप जब क्वेश्चन का आंसर लिखें सूत्र जरूर लिखें हर एक क्वेश्चन में नंदलाल पटेल। हाँ सब क्वेश्चनों में क्या करना चाहिए, सॉरी की कोई बात नहीं है बेटे, सबसे पहले हमें क्वेश्चन लिखना चाहिए, क्वेश्चन का आंसर सूत्र लिखना चाहिए, और जब आप में लास्ट में आंसर लिखें, तो मैंने आपको बताया था बहुत बच्चे यहाँ पे अपने साइन से कर देते हैं, तो आपको साइन नहीं करने होते, पूरा लिखें बेटे आंसर। और ये भी बताया था कि अतः अतः विभाजन के सूत्र द्वारा अंतः विभाजन के बिंदु के निर्देशांक कितने होंगे, हाँ पूरा लिखना चाहिए। सुरेंद्र वर्मा जी गुड इवनिंग बेटे, अब और क्वेश्चन लेते हैं बेटे दूसरा, अब तीनों पे मिक्स क्वेश्चन लेंगे बेटे, किसी पर भी आ सकता है फार्मूले पे, देखते हैं आपने कल प्रैक्टिस किया नहीं किया तो उससे करेंगे बेटे क्वेश्चनों को। अब तीन चीजें जुड़ गई अब हमारे साथ राइट, तो अब हम तीनों पे क्वेश्चन करेंगे। रोहन राजभर नमस्ते बेटे, नमस्ते, बहुत अच्छा लगता है बेटे जब आप जुड़ते हो, आप पढ़ते हो तो बहुत अच्छा लगता है बेटे, हाँ बहुत अच्छा लगता है। देखिए अब हम क्वेश्चन करेंगे बेटे, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कि एक पॉइंट हमारे पास है टू और वाई, और बी पॉइंट हमारे पास है फाइव सिक्स, तो ये कह रहा है बेटे यदि इनके बीच का डिस्टेंस पाँच हो, पाँच का ये इनके बीच का डिस्टेंस, तो कह रहा है y की वैल्यू बताओ, क्या करना हमें y फाइंड करना है। तो इन्होंने कह रहे हैं कि दो पॉइंट है हमारे पास, अब इन दोनों पॉइंटों के बीच का डिस्टेंस दे रखा है हमें कितना, पाँच इकाई, तो हम ये कह रहे हैं y कोऑर्डिनेट बताओ कितना होगा, करिए जल्दी से जल्दी, अच्छा ठीक है हाँ अच्छी बात है बेटे, आ जाओ ए बी इज इक्वल टू कितना गिवन है फाइव, तो फार्मूला लगा दीजिए ए बी इज इक्वल टू फाइव। आपको ये बताया था कि एक्स वन कितना है हमारे पास, एक्स टू वाई वन और वाई टू, एक्स वन
टू, एक्स टू फाइव, और वाई वन वाई, और वाई टू कितना है सिक्स है। बेटा ये जरूर लिखे हर क्वेश्चन में, हाँ जब भी आपसे मिस्टेक नहीं होगी आशीष राय, हाँ ये जरूर लिखे बेटे ये क्वेश्चन में, हर एक में लिखे आप एक्स वन एक्स टू वाई वन वाई टू, तभी फार्मूला लगाए। आदित्य ठाकुर गुड इवनिंग बेटे, गुड इवनिंग, आ जाइए। एक्स टू माइनस एक्स वन, जल्दी से सोल्व करिए, वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हमारे पास फाइव गिवन है बेटे। अब इसमें वैल्यू पुट करो, एक्स टू फाइव माइनस टू का स्क्वायर, वाई टू सिक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना फाइव। अब इस क्वेश्चन को देखने में इजी लग रहा है, लेकिन जब इस क्वेश्चन को आप दो तीन बार करेंगे तो बहुत बच्चे नहीं कर पाते बेटे इस क्वेश्चन को। हाँ अंश सिंह, हाँ बेटे बहुत बच्चे नहीं कर पाते। स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर करो वर्ग करने पर, तो ये पाँच माइनस दो तीन बचाना, तो तीन तिया नौ लिख दीजिए, थ्री थ्री जा नाइन, फाइव माइनस टू थ्री, थ्री का स्क्वायर नाइन लिख दो, और अंडर रूट कैंसिल हो ही गया। वाई माइनस टू का वाई सिक्स माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना ट्वेंटी फाइव, राइट। हाँ अब ऊपर लिखेंगे बेटे यहाँ पे साइड में, ये तो आपने लिख लिया होगा, यस। हाँ अब इधर आ जाओ, देखिए अब हम इसको लिखेंगे, इसका होल स्क्वायर खोलिए बेटे। दिस मीन्स नाइन प्लस थर्टी सिक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस सिक्स टू जा ट्वेल्व, वाई इज इक्वल टू कितना ट्वेंटी फाइव। हमने एक बात बताई थी बेटे आपको, क्या कि जब a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलते हैं तो बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं। फार्मूले लिखे थे ना आपको, हाँ y इक्वल टू टू और y इक्वल टू टेन। देखते हैं बेटे जिप चिप, अच्छा हाय सर ये क्या होता है, देखिए नाइन और ट्वेंटी फाइव, वाई स्क्वायर ट्वेल्व वाई प्लस थर्टी सिक्स और इज इक्वल टू हमारे पास पच्चीस, नाइन सोलह बचे ना इधर, हाँ अब इस सोलह को भी इधर ले आओ, वाई स्क्वायर बारह वाई प्लस कितने बचे बीस हो गए इज इक्वल टू जीरो। अब इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ गया बेटे, फिर आपसे ये कहा था एक दिन कि अगर ये फैक्टर आप सीख गए तो टेंथ क्लास आधी तो आपकी वैसे ही पास हो गई। हाँ आदित्य ठाकुर ये आपको फैक्टर बेटे बहुत आते हैं, किसी किसी में यहाँ माइनस, किसी में यहाँ माइनस, कभी कभी दोनों माइनस के, कभी दोनों प्लस के, ये चार मेथड है बेटे, इन चारों मेथड के फैक्टर कर लीजिए। आपने नाइन्थ क्लास में करे होंगे एनसीईआरटी में, हाँ ये एनसीईआरटी में चार क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन के पार्ट है बेटे 1.5 एक्सरसाइज के, ठीक है उसमें है ये चार क्वेश्चन, चारों की प्रैक्टिस कर लो, ये फैक्टर बार बार आते रहते हैं। अब देखिए 20 के ऐसे फैक्टर जिसको प्लस करके 12 आता हो, बहुत हार्ड है ना, बहुत आसान बेटे, 10 गुना 2 कितना हो गया 20, और 10 दुनी यहाँ पे 10 और 2 12, दोनों को प्लस करके हमें 12 ही चाहिए बेटे। वाई स्क्वायर माइनस के 10y माइनस के 2y प्लस के 20 इज इक्वल टू जीरो। वाई टेकिंग कॉमन, वाई माइनस के 10 माइनस 2 और y माइनस 10, आपको ये भी बताया था कि ये दोनों ब्रैकेट क्या होने चाहिए, सेम आने चाहिए, है ना। हाँ आपको लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट बात बताएंगे, कल मैं आपको थोड़ा सा बता नहीं पाया टाइम की वजह से बेटे, हाँ आज आपको बताएंगे। एक y माइनस 10 कॉमन ले लीजिए और y माइनस 2, यदि आपके दोनों ब्रैकेट सेम आ गए तो आपका आंसर तो आ गया, तो y इक्वल टू कितना आ गया 10 और y इक्वल टू कितना आएगा 2। नंदलाल पटेल ने सबसे पहले क्वेश्चन किया बेटे, बहुत अच्छी बात है बेटे, बहुत अच्छा लगता है जब आप जुड़ते हैं बेटे क्लास से और क्वेश्चन करते हैं। तो पहले हम y माइनस टू और इनको दोनों को जीरो लिख दीजिए, इससे y इक्वल टू 10 और इससे y इक्वल टू कितना आ गया 2। अतः आपसे बताया था ना हर क्वेश्चन में लिखे, अतः y का मान कितना होगा 10 और 2, तो ये जरूर लिखें आप हर क्वेश्चन में बोर्ड में, देखना आप ये बात लिख के आना आपके मार्क्स कैसे आते हैं। टीचर ज़्यादातर क्या करता है बेटे, क्वेश्चनों के आंसरों पे ही ध्यान देता है। ऋतिक बहुत देर में आया, गुड इवनिंग बेटे। रोन राजभर जी, हाँ बेटे बहुत देर बाद आए, आइए अब दूसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया, अब आगे चलते हैं बेटे तीसरी बात पे।
बहुत जल्दी करके बताना आंसर, फिर लास्ट में आपसे एक बात सिखाएंगे आपको, लास्ट की दो मिनट में आपको एक बात सिखाएंगे बहुत जल्दी। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, पहले अभी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक बड़ा क्वेश्चन हो गया ना, अब एक छोटे क्वेश्चन पे आते हैं। बताइए, पॉइंट है हमारे पास ए पॉइंट 6 और 5 और बी पॉइंट दे रखा है हमारे पास -4 और 3। तो ये कह रहा है बेटे वाई अक्ष से एक बिंदु, जो बिंदु इतने इतने से सम दूरी पर है वाई अक्ष से, आपके कल हमने बताया था कौन सा एक्स अक्ष वाला, तो ये वाई अक्ष से समान दूरी पर है बेटे, समान दूरी पर है ये, ठीक। अब हमें पॉइंट बताना है, देखिए वाई अक्ष पर मान लीजिए हमारे पास पॉइंट एक्स और वाई है, अब ये कह रहा हूं वाई अक्ष पर, तो वाई अक्ष पर क्या होता है एक्स इज इक्वल टू कितना होता है 0 होता है, वाई अक्ष पर क्या होता है बेटे हमारे पास एक्स का मान 0 होता है। अब इसे सोल्व करिए, जल्दी से आंसर बताएं करके इसका, कल बताया था ना एक क्वेश्चन ऐसा, हाँ मान लीजिए ये पी पॉइंट हमारे पास, ये पॉइंट ए ये पॉइंट बी, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स और वाई होते हैं, लेकिन एक्स की वैल्यू कितनी है 0, बाद में लिख देंगे, पहले हमें ए की वैल्यू 6 और 5 और बी की वैल्यू -4 और 3, राइट। फार्मूला लगाओ अपना, डिस्टेंस फार्मूला, ए पी इज इक्वल टू बी पी, ए पी मीन्स डिस्टेंस फार्मूला, बी पी मीन्स डिस्टेंस फार्मूला, ए पी एक्स माइनस 6, अब एक्स की वैल्यू तो 0 है, चाहे तो आप पहले लिख दीजिए बेटे एक्स इज इक्वल टू 0, चाहे बाद में लिख दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ा। ऋतिक जी हाँ, यस सर बेटे, यस सर, एक्स माइनस 6 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, देखो माइनस का 4 है ना, प्लस हो गया, हाँ एक्स प्लस 4, ठीक है हाँ, और जी वाई माइनस 3 का स्क्वायर, राइट। अब इसे सोल्व करेंगे बेटे, जरा इधर लिखेंगे बेटे, ठीक है हाँ इधर लिखेंगे, ये आपने लिख लिया यस या नो करके बताएं, आपने लिख लिया नंदलाल पटेल, हाँ बहुत होशियार हो आप, बहुत जल्दी लिख देते हो। अब इसे सोल्व करेंगे बेटे, कोई सा भी फार्मूला लगा सकते हैं, एक्स वन माइनस एक्स टू, वाई वन माइनस वाई टू, कोई सा भी फार्मूला लिख सकते हैं बेटे हम। आ जाइए, एक्स इज इक्वल टू हमारे पास 0 है, अंडर रूट 0 माइनस 6 और y माइनस के 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर। देखिए यदि हम एकदम से आपको बड़े क्वेश्चन करेंगे तो सभी बच्चे इंटेलिजेंट तो होते नहीं बेटे, सब तरह का स्टूडेंट होता है बेटे क्लास में, तो हमें सबको लेके चलना होता है, तो सभी को समझाना होता है, देखने में होशियार लगते हैं बेटे सब बच्चे, लेकिन जब क्वेश्चन करते हैं, जब कॉपियां चेक होती हैं बोर्ड की, तो उनमें बच्चों से क्वेश्चन और आंसर नंबर भी नहीं लिखे जाते बेटे, जो फ्रंट की एंट्री होती है ना कॉपी की, वो भी नहीं भरी जाती बच्चों से, देखते हैं जब हम, पता रहता है बेटे बच्चों से लिख मंडे ट्यूजडे ये भी नहीं लिखे जाते। अंडर रूट स्क्वायर कर दीजिए आप इसका, और ये हो गया 36 प्लस वाई माइनस के 5 और ये हो गया 16 और ये y माइनस 3 का स्क्वायर, राइट। सोल्व करिए, देखो 16 36 20 तो पहले ही बचा दीजिए इधर, अब इनका होल स्क्वायर खोल दीजिए, y स्क्वायर प्लस के 25 माइनस के 10y इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y। बच्चों का पता होता है हमें, हाँ सुमित कुमार जी पता होता है, गुड इवनिंग बेटे, हमें पता होता है वो क्या क्या लिखते हैं, सब पता होता है बेटे कॉपियों में, जब बोर्ड की ड्यूटियाँ चलती हैं सब पता होता है। देखो 6y और 10y हमारे पास यहाँ, ये इधर, तो या तो इस 10y को उधर ले जाइए चाहे इधर ले आइए, 20 ये रहा, 25 ये रहा हमारे पास, 9 ये रहा, तो 25 में से 9 माइनस कर दीजिए, 25 प्लस कितना बच गया 16, और इस 10y को इधर ले जाओ प्लस कर दीजिए और माइनस का 6y, राइट।
टेन वाई माइनस का था, इधर आ गया प्लस सिक्स वाई माइनस का है, नाइन हमारे पास प्लस था, इधर आ गया, तो 25 और 20 हमारे पास अलग ही बचा, 25 में से 9 माइनस 16 कितना हो गया, ये हमारे पास 36, और यहाँ पे कितना बचा हमारे पास 4 आया, 10 माइनस 6 4y इज इक्वल टू कितना हुआ 36, तो y इज इक्वल टू कितना हुआ 36/4, किसका आया था आंसर सबसे पहले 9, नंदलाल पटेल ने बताया था शायद, रोहन राजभर नमस्ते बेटे, नमस्ते, गुड इवनिंग, हर्षित भी है, गुड इवनिंग बेटे, आ गया सवाल नेक्स्ट, और चलते हैं ऐसे ही क्वेश्चन पर एक, देखिए जब हम छोटे छोटे क्वेश्चन कर देते हैं बेटे तो बड़े क्वेश्चन भी होने लगते हैं अपने आप, तो हमें पहले छोटे क्वेश्चनों पे ध्यान देना होता है, बड़े क्वेश्चन अपने आप होने लगते हैं, क्योंकि छोटे क्वेश्चनों को मिला के ही बड़े बनते हैं बेटे। हाँ बताओ, चलो अच्छे आंसर बताओ जल्दी से, क्वेश्चन ये कहता है एक त्रिभुज का केंद्रक ज्ञात करो, आप त्रिभुज का केंद्रक का सूत्र पता है, नहीं पता ना अभी, हाँ पहले बताएंगे बेटे आपको, एक्स वन और वाई वन, ये एक्स टू और वाई टू, और एक्स थ्री और वाई थ्री, राइट, एक्स थ्री और वाई थ्री, हमें त्रिभुज का केंद्रक फाइंड करना होता है बेटे, जी मानते हैं और एक्स और वाई निर्देशांक मानते हैं, केंद्रक का निर्देशांक, ऋतिक जी हाँ यहाँ आ जाओ, कोई बात नहीं बेटे पढ़ें आप, आपके लिए है, सब आपके लिए है, जो मेहनत करेगा उसे कुछ मिलेगा बेटे, फ्री क्लासेस हैं आपके लिए, हाँ ठीक है, यहाँ आ जाए, एक्स इज इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री अपॉन थ्री, और वाई इज इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री अपॉन थ्री, त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक। अब हम क्वेश्चन करेंगे बेटे इस पर, पता चल गया आपको, त्रिभुज का केंद्रक एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू और एक्स थ्री वाई थ्री, त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक, एक्स और वाई मानते हैं केंद्रक, ठीक है, केंद्रक के निर्देशांक क्या है हमारे पास, एक्स और वाई है बेटे, राइट। अब हम इस पे क्वेश्चन करेंगे बेटे, मान लीजिए हमारे पास पॉइंट है, ये तो आपको बताया फार्मूला बेटे, दो फार्मूले हो गए आज, हाँ और दो बताए थे कल, चार हो गए, तो चारों पे क्वेश्चन करने हैं। पहला पॉइंट क्या है हमारे पास, आंसर बताएं बहुत जल्दी जल्दी करके, पहला पॉइंट है 7 और 5, दूसरा पॉइंट है 5 7, जल्दी से ये फार्मूला लगा के बताओ अच्छा, -3 और -3, केंद्रक के निर्देशांक बताइए जल्दी से जल्दी, यस सर, हाँ बच्चे कुछ नहीं लिखते जब पेपर होते हैं, एक्स वन एक्स टू और एक्स थ्री, आपको बताया ना सबसे पहले जब भी क्वेश्चन करें ये जरूर लिखें बेटे, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, वाई वन वाई टू और वाई थ्री, गुड इवनिंग बेटे गजराज जी, गुड इवनिंग, 7 5 -3, नमस्ते, 5 7 और 3 आ गया। अब हमें x चाहिए, सबसे पहले x निकालेंगे फिर y, तो x इज इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री अपॉन थ्री, तो x इज इक्वल टू अपॉन तो 3, x कितना है 7 प्लस 5 माइनस 3, सॉल्व करिए कितना आया 12, ये हो गया हमारे पास 2 तो ये बच गया बेटे, और 3 2 बचा, 2 और 7 इधर जोड़ दीजिए कितना हो गया 9 अपॉन 3 यानी कि 3, राइट। अब y पे आ जाइए, y इज इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री अपॉन 3, जल्दी से आंसर y का मान भी बताओ, अरे वाह तुम तो भाई कमाल करते हो, इसका मतलब पढ़ते हो, 5 प्लस के 7 और प्लस के 3, 7 और 3 10 और 5 कितना हो गया 15, ये तो बेटे आपका आंसर गलत आ रहा, 3 3 बता रहे हैं आप, हाँ गलत बता रहे हैं आप तो आंसर,
थ्री थ्री। तन्नू जी गलत बता रहे बेटे, वाई की वैल्यू थ्री नहीं आने की। नंदलाल पटेल देखो दोबारा से सोल्व करो, सात और पाँच बारह, बारह और तीन कितने होते हैं पंद्रह, फिफ्टीन अपॉन थ्री तो कितना, तीन पंजे पंद्रह, ये तो वाई बराबर कितना आ गया, ये तो पाँच आया बेटे। हाँ आपका तो थ्री आ रहा, तो पॉइंट कितना आया हमारे पास, थ्री और फाइव। हाँ सही करो, दोबारा से कैलकुलेशन करो, ठीक पॉइंट आ गया हमारे पास जी। इसे गुरुत्व केंद्र को बेटे पी नहीं लिखते, जी लिखते हैं, और जी बराबर एक्स वाई मानेंगे, ये तीन और ये पाँच। हाँ सही लिखो क्वेश्चन करके दोबारा, यही तो कह रहा हूँ बार बार, यही कह रहा हूँ बार बार भाई। हाँ यही बोल रहा हूँ कि रोहित पाल जी कि क्वेश्चन करने में इजी लगता है, देखने में इजी लगता है, पर जब हम बबलू जी क्वेश्चन करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं बहुत जल्दी में मिस्टेक हो जाती है, प्लस करने में माइनस करने में। आ गया, अच्छी बात है बेटे, और चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आ गया तो बहुत अच्छी बात है, हम इसलिए तो आए, कोई भी बच्चा किसी भी सिटी से जुड़ा हो बेटे। हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है, आपको ई विद्या वालों ने बेटे आपके लिए फैसिलिटी दी है, हम जैसों को बुलाए हैं राम कुमार त्यागी जी को आपके लिए। हाँ समझ गए, मेहनत करें आप तो इससे तो आपका बेनिफिट है, बताओ आपको फ्री में मिल रही हैं सब चीज़ें घर बैठे, तो और क्या चाहिए, और क्या चाहिए बेटे आपको। चलिए और क्वेश्चन करिए, जल्दी से आंसर बताएं। अच्छा बहुत आसान क्वेश्चन देता हूँ, बहुत आसान क्वेश्चन, ये कहता है हमारे पास माइनस थ्री है और फोर है, बताओ एक्स अक्ष से दूरी बताओ कितनी है इस पॉइंट की, एक्स अक्ष से कितनी दूरी है सुमित जी बताओ। यस सर, हाँ क्वेश्चन देखने में आसान लगते हैं बेटे, कॉपी में देख के सब अच्छे होते हैं। ये कह रहा है एक्स अक्ष से दूरी बताओ, ठीक है क्या बताना है, एक्स अक्ष से दूरी बताओ, बताओ सुमित जी। सुमित कह रहे यस सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग कर दिया करो ऋतिक जी। हाँ ये कह रहा है इस पॉइंट की एक्स अक्ष से दूरी बताओ। अब ये देखो हमें क्या पता चलेगा कि यहाँ से मालूम करेंगे, ये कल बताया था ना, जो बच्चे नहीं जुड़े थे उनके लिए बता रहा हूँ, वाई वाई डैश राइट। अब ये पॉइंट देखो हमारा कहाँ पर आ रहा है, एक्स की वैल्यू तो माइनस थ्री वन टू थ्री और वाई की वैल्यू फोर वन टू थ्री फोर, तो ये तो हुआ हमारे पास वाई इज इक्वल टू फोर और ये हुआ एक्स इज इक्वल टू कितना माइनस थ्री, तो ये पॉइंट यहाँ आ रहा है बेटे, ये पॉइंट माइनस थ्री और फोर। बस इन क्वेश्चनों में ये समझो बेटे कौन सा प्लस कौन सा माइनस। हाँ ई विद्या वालों को भी थैंक्स कह दो, और समझ में आया नहीं आया ये भी बताएं जल्दी से, यस करके बताएं बेटे। यस सर लिखें अभी, सोनू कुमार जी गुड इवनिंग बेटे, सुमित कुमार जी गुड इवनिंग, नंदलाल पटेल हाँ नंदलाल जी बहुत लिखते हो, अच्छी बात है। एक्स अक्ष से दूरी बताओ, एक्स अक्ष से गलत बोल रहे हो बेटे। अब देखो नंदलाल पटेल यही तो करते हो आप जल्दीबाजी में बहुत जल्दी, देखो एक्स अक्ष ये रहा आपका, देखो इधर ये है हमारे पास एक्स अक्ष राइट। अब एक्स अक्ष से ये दूरी बतानी है, तो यहां से चलिए ना ऊपर कितनी दूरी चले, तो यहां से जितनी दूरी चले वही दूरी हम यहां पे आए, तो ये दूरी हमारे पास कितनी है चार, तो ये दूरी कितनी है चार, तो इसकी दूरी बटे चार है। हाँ इसको लिखेंगे वाई इज इक्वल टू फोर, क्या लिखेंगे बेटे y इज इक्वल टू फोर लिखेंगे बेटे राइट। हाँ अब नई बात पे आइए, देखिए आप गलती करते हो जल्दीबाजी में, मैंने आपको बताया था ना कि जल्दी में गलती करते हैं आप। आ जाइए रोहित जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इतना आसान सवाल पूछा था आपने, इसमें ही मिस्टेक कर दी। जो हम y अक्ष पर चले दूरी, ये चले देखो फोर डिस्टेंस, तो इसकी जो डिस्टेंस होगी y अक्ष से x अक्ष से, एक्स अक्ष से डिस्टेंस कितनी है चार है बेटे, तीन नहीं है, तीन है वाई अक्ष से। अगर वाई अक्ष से पूछेगा तो हम लिखेंगे माइनस तीन, एक्स अक्ष से कितनी दूरी है ये लिखेंगे एक्स अक्ष से कितनी दूरी है चार की, और वाई अक्ष से कितनी दूरी है ये देखिए कितनी दूर चले हम माइनस तीन, तो वाई अक्ष से तो माइनस तीन और x अक्ष से चार, तो हम तो x अक्ष से पूछ रहे तो चार आंसर है बेटे इसका राइट।
दूसरे क्वेश्चन पे आ जाओ। अच्छा फिर देखते हैं आप कितनी जल्दी बताते हो, गलती कर जाते हो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग राजभर जी, बहुत देर बाद आए। हाँ आपको बाद में दो मिनट में एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बताऊंगा, समझ में आए तो ज़रूर बताना यस या नो करके, ठीक है। बबलू जी नो सर, अच्छा यस सर, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी बताएं। अच्छा बहुत जल्दी आंसर करके बताएं। पॉइंट ए 3 4, पॉइंट बी 0 0, दूरी बताओ इसकी मूल बिंदु से बहुत जल्दी। मूल बिंदु से दूरी यानी कि ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट, मुझसे पहले कर दीजिए। अच्छा बहुत जल्दी से जल्दी करो, जल्दी कितनी जल्दी। पुष्पराज सिंह बहुत देर में आए उठे, सोनू कुमार यस सर, बहुत अच्छा लगता है बेटे जब आप जुड़ते हो। x2 माइनस एक्स वन और y2 माइनस वाई वन, ये भी लिखा हुआ आ सकता है a पॉइंट 3 4 b 0 0, और ये भी कह सकता है कि मूल बिंदु से इसकी दूरी बताओ। आलोक सिंह आता है सर आपको, कर लिया है, लिखते हैं आप क्या लिख रहे हो बेटे। हाँ लाइक कर दिया, अच्छी बात है बेटे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत वेरी वेरी थैंक्स। 0 माइनस 3 का स्क्वायर और 0 माइनस 4 का स्क्वायर। देखो जब बच्चे करते हैं इस क्वेश्चन को, आप कल जब अपने दोस्त से पूछ के देखना किसी से, तो वो यहाँ पे -9 लिखेगा, जबकि आपको बता दिया कि अंडर रूट में कभी भी क्या नहीं आता, माइनस नहीं आता बेटे, स्क्वायर हो जाता है। चूंकि ये स्क्वायर हो रहा तो यहाँ भी स्क्वायर हो रहा, तो इसके अंदर माइनस नहीं आने का। 9 तो ये हो गया और 16 ये हो गया, कितना आया 25, डिस्टेंस कितनी आई 5 और आंसर कितना डिस्टेंस हुआ इसका मूल बिंदु से 5। हाँ बेटे बहुत जल्दी बताया, अच्छी बात है, इतने आसान क्वेश्चन को भी इतनी देर में लिख रहे हो सोनू कुमार। हाँ थोड़ा जल्दी लिखना बेटे, अब की बार देखते हैं। चलो और चलो आज क्वेश्चन पे, सबसे लास्ट में आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊंगा, उस दिन की तरह देखते हैं आप कितनी जल्दी उसमें साथ देंगे मेरा। हाँ थोड़ा सा इम्पोर्टेंट चीज़ है बेटे, और क्वेश्चन बहुत आते हैं बोर्ड में इसमें से, तो उनको ज़रा प्रैक्टिस कर लें, राइट। हाँ थोड़ा सा उनको प्रैक्टिस करें बेटे, आ जाइए और नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विभाजन वाला बता दिया आपको, दूरी बता दी आपको, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटे। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, अच्छा सवाल है बेटे। क्या ये कह रहा है कि पॉइंट पी बिंदु इतने इतने से वृत्त का केंद्र है, सिद्ध करो। ध्यान देना इम्पोर्टेंट बात है, ये पॉइंट है हमारे पास पी, और एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी और एक पॉइंट सी। पॉइंट पी दे रखा है 2 2 और पॉइंट ए दे रखा है बेटे 1 2 और पॉइंट 2 1 और पॉइंट 2 3, ठीक है। हाँ ऋतिक जी देखो अब ये तो आ गया आंसर आपका 5, तो अच्छी बात है बेटे, बहुत अच्छा लगता है जब आप क्वेश्चन करते हो और आंसर देते हो। हाँ वर्मा जी अच्छी बात है, अब देखो ये क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को समझो। ये कह रहा है ये बताओ कि ये पॉइंट पी बिंदु ए बिंदु बी और बिंदु सी तीनों पॉइंटों से समान दूरी पर है, ये कह रहा, और ये इसके वृत्त पर स्थित है, यानी कि जो वृत्त है हमारा इस पर स्थित है तीनों, ये सिद्ध करके बताना है ऋतिक जी। अब इसको कैसे करेंगे, ये कह रहा है कि ये पॉइंट पी ए बी सी से समान दूरी पर है, या ये कह दीजिए ए बी सी इस वृत्त पर स्थित है, वृत्त पर स्थित है। करिए कैसे करेंगे, तो इसमें क्या करना होता है, आपको पता है वृत्त की त्रिज्या जानते हो, रेडियस जानते हो, रेडियस किसको कहते हैं, समान होती है हर वृत्त की, यानी कि ए पी बी पी और सी पी, समझ गए, तीनों चीजें बराबर होनी चाहिए, क्योंकि तीनों की तीनों क्या है, इस सर्किल की रेडियस है, और रेडियस तो समान होती है। शेखर जी आशीष राय, हाँ रेडियस समान होती है ना किसी भी वृत्त की, ऐसा कोई ना होता कि एक साइड में वृत्त की त्रिज्या ज्यादा और एक साइड में कम, ऐसा नहीं होता ना। हाँ साइकिल के पहिए में जो स्पोक होती हैं उनकी डिस्टेंस सेम होती है सभी में, तो वो उसकी रेडियस ही होती है, पर आप तो मोटरसाइकिल चलाते होंगे तो उसमें भी व्हील होती हैं, तो उनकी जो रेडियस होती है वो व्हील होती है, व्हील के अंदर जो हमारे पास स्टिक होती हैं
वो उसकी रेडियस होती है। अब हमें ज्ञात करना है बेटे एपी, तो सबसे पहले एपी फाइंड करो, रेडियस कहलाती है वो, हमें इसकी रेडियस बतानी है। तीनों बराबर होनी चाहिए, एपी, बीपी और सीपी, या पीसी कह दो, ए की मतलब है पी से सी का डिस्टेंस, पी से बी का, पी से ए का, या ए से पी, बी से पी, सी से पी कह दो, ए की बात है ना। यस सर, हाँ करो जल्दी से जल्दी आंसर। देखिए एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर, आप डायरेक्ट मत करना, मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ, आपको बताया ना कैसे कैसे लिखते हैं, आर इज इक्वल टू वन। अच्छा जी, अभी देखते हैं कितना आता है, एक्स टू कितना है, वन माइनस टू होल स्क्वायर प्लस टू माइनस टू होल स्क्वायर, तो ए पी इज इक्वल टू अंडर रूट, ये कितना आया, वन माइनस, और माइनस वन का स्क्वायर करेंगे ये तो जीरो हो गया, राइट, ये हुआ वन, ये हो गया जीरो, अंडर रूट क्या बचा, वन, और वन का वर्गमूल कितना होता है, कितना होता है वन का वर्गमूल, वन ही होता है बेटे, सही है। हाँ, हमारे पास ए पी इज इक्वल टू वन आया। अब बी पी ज्ञात करेंगे, बी पी इज इक्वल टू सिमिलरली अंडर रूट, फार्मूला मत लिखिए, अब आपने जब एक बार फार्मूला लिख दिया तो बार बार फार्मूला नहीं लिखते बेटे, एक क्वेश्चन में एक बार ही सूत्र लिखते हैं। हाँ, ए पी बी पी सी पी नंदलाल पटेल, वेरी गुड बेटे, आपके मार्क्स बेटे 80 से बाद में आएंगे, 90 के करीब आपके मार्क्स पहुंच चुके हैं, अब आप जितना आगे मेहनत करेंगे उतना अच्छा बेटे। हाँ वर्मा जी, अच्छी बात है बेटे, ठीक है। हाँ, अब बस इस क्वेश्चन को कर देता हूँ मैं जल्दी से, ये आया आपके पास 2 माइनस 2 का स्क्वायर और 1 माइनस 2 का स्क्वायर, और जल्दी से आप सोच के बैठ जाइए, एक इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ बेटे, 1 का स्क्वायर माइनस का, ये भी 1 आया, इज इक्वल टू 1, और उसके बाद क्या आया हमारे पास, सी पी, सी पी इज इक्वल टू अंडर रूट कितना, 2 माइनस 2 और जी 3 माइनस 2, 2 माइनस 2 जीरो, यानी कि ये तो जीरो, ये वन बचा, वन का स्क्वायर वन हो गया, यानी कि वन, अतः हमारे पास तीनों डिस्टेंस कितना आए, इक्वल आ गए बेटे, ए पी बी पी और सी पी तीनों बराबर आए और तीनों का मान वन है, अतः ये तीनों पॉइंट जो हैं वो क्या है, समान दूरी पर है। अब मैं आपको एक मिनट में एक इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ, ठीक है, देखते हैं आपको अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा बेटे। देखिए आपको जब भी कभी 90 के करीब या 90, 192, 93 की मल्टीप्लाई करनी हो तो आपसे पहले मैं करके बताऊंगा, आप मुझसे पहले करके बता दीजिए, चलो देखते हैं कौन कितनी जल्दी करता है। 95 और 96 इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, आप कर दीजिए, और मैं देखो आपको बहुत जल्दी सिखाता हूँ, कर दीजिए जल्दी, कौन कितनी जल्दी करेगा, या सीख लीजिए अगले क्वेश्चन में आप करना। देखो इधर बहुत जल्दी, ये देखिए ये 95 100 से कितना कम है, माइनस के 5, ये देखिए 100 से कितना कम है, माइनस 4, ठीक, इन दोनों की गुना करके माइनस माइनस प्लस, 5 चौक 20, यहाँ लिख दीजिए। अब ये देखो यहाँ पे, या ये इधर समझना, 95 में से 4 घटा के लिख दीजिए 91, तो ये आपकी मल्टीप्लाई आ गई 91 और 20, आपको ये मेथड मिलेगा नहीं बेटे कहीं, चाहे तो 96 में से 5 घटा के लिख दीजिए, चाहे 95 में से 4 घटा के लिख दीजिए, आपका आंसर आ गया, कोई नहीं बताएगा आपको इतनी जल्दी, कोई नहीं बताएगा बेटे, बताओ ये यस करके बताओ, यस या नो करके बताओ। सोनू कुमार गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, ये अच्छी तरकीब है या नहीं है, एक और बता देता हूँ, चलो अच्छा यस करके बताएं, देखो एक और बता देता हूँ, जब तक सीखे ना सिखा देता हूँ आपको, आप कैलकुलेटर से करके बता रहे होंगे, हम आपको दूसरी तरकीब से बता देते हैं, ठीक है, हाँ दूसरी तरकीब से बताते हैं बेटे हम आपको, राइट, हाँ एक और करिए, चलो 96 इंटू 97, जल्दी से जल्दी करके बता दीजिए, चलो अच्छा अच्छा मेथड है नहीं है, जल्दी बताएं, मैं आपसे पहले कर दूंगा, ये देखिए 100 से कितना कम है, माइनस के 4, ये 100 से कितना कम है, माइनस 3, 4 दिया 12 प्लस का, और इसमें से ये घटा दीजिए या इसमें से ये घटा दीजिए,
97 में से चार घटा दो, कितने बचे? सात में से चार घटाओ, तीन बचे, या 96 में से तीन घटा दीजिए, 93 12। देखिए आपसे पहले बता दिया, होगी ना मल्टीप्लाई, आंसर आ गया। सही है गलत है? यस या नो करके बताएं, अच्छी बात है या गलत है बताओ, बहुत जल्दी बताएं, आपको समझ में आया नहीं आया? अभी एपी बीपी सीपी पे ही पढ़े हैं। हाँ 93 12, देखिए मैंने आपको कितनी अच्छा मेथड बताया है। सबसे पहले ये लिख दीजिए, ये 100 से कितना कम है, ये 100 से कितना कम है, दोनों की मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखिए, या तो 96 में से ये अंक घटा दीजिए यहाँ लिख दो, या 97 में से ये घटा दीजिए यहाँ लिख दीजिए। आगे समझ में? ठीक है बेटे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को। आलोक श्रीवास्तव जी बहुत दिन में आए हो बेटे, थैंक यू बेटे। आपको मेथड अच्छा लगा? ठीक है।